और यहाँ से कुछ बसें या फिर कुछ सामान लेकर ट्रक्स वगैरह भी कभी कभार निकाले जाते हैं पूरी परमिशन के साथ। तो सिलसिलेवार तरीके से जो ये पूरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इसे इसी दोनों देशों के बीच सौहार्द और दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए 1947 में शुरू करने का विचार आया था। लेकिन दोनों मुल्कों के बीच जो रिश्ते हैं वो हमेशा ऊंचाई और निचाई को महसूस करते हैं, और उसी का प्रतीक है ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी। इसमें जहां एक तरफ गर्म जोशी है, वहीं दूसरी तरफ ललकार भी है। इसमें जहां एक तरफ हम ये कहते हैं कि पड़ोसी के नाते हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पड़ोसी को अपने हद में, अपनी सीमा में रहना चाहिए, तभी उसकी इज्जत होगी। नहीं तो जो आंखें दिखाकर हमारे बीएसएफ के जवान ललकारते हैं वो ये संदेश देते हैं कि आंखें नोचने का भी दम है और तुम्हें वापस खदेड़ने का भी दम है। तो ये जो हिमाकत है पाकिस्तान ना करे तो उसके लिए बेहतर होगा। और अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है अपने आखिरी स्टेज पर है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान पूर्वक तरीके से नीचे उतार रहे हैं। इसी के साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का समापन भी होगा। भारत का तिरंगा और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे संभालते हुए पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं काली शलवार कमीज में, वो आपको नजर आ रहे होंगे, और खाकी और सुनहरे परिधान में बीएसएफ के जवान तिरंगे को संभालते हुए आप इस वक्त देख सकते हैं। लगातार ये जो म्यूज़िक का सिलसिला है और नारों का सिलसिला है वो जारी रहता है दोनों तरफ। लेकिन ये बात ज़रूर कहने लायक है कि जिस संख्या में यहाँ पर आज भारतीय जुटे हैं, हम हिंदुस्तानियों ने एक बार फिर से ये संदेश साफ दे दिया है पाकिस्तान को कि हम सब 140 करोड़ भारतीयों के सामने तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है। अगर हर कोई पड़ोसी अपनी सीमा का पालन करे, अपनी हदों में रहे, तो फिर हमारा प्यार है। नहीं तो हम 140 करोड़ भारतीय जिन्हें जिनका नेतृत्व कर रहे हैं फ्रंट लाइन पर हमारे ये जवान, उनके साथ खड़े हैं। हमें आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर
संस्कृत पंच बताते समय पंच के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज उतारने का समय हो गया है और सभी दर्शकों को ये निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और किसी भी तरह के अभद्र नारे का प्रयोग ना करें। पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ, एक तरीके के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है और BSF के जो जवान है वही निर्देश देते हैं कि किस तरह से सम्मान पूर्वक तरीके से हम आम जनता अपना सम्मान प्रकट कर सकती है राष्ट्रीय ध्वज के लिए, इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए। इसके पीछे जो सिंबॉलिक मैसेज होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और एक एक पल जो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का है उसे सोच समझकर यहां पर महीनों सालों की मेहनत के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। फिलहाल समय हो गया है कि हम सबका ध्यान केंद्रित रहे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज की तरफ, जिसे उतारने का समय हो गया है, जिसके सम्मान में यहाँ मौजूद हजारों दर्शक अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। अब आप देखिए तिरंगे को धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है और तिरंगे को सल्यूट करते हुए BSF के जवान आगे आपको वाघा के गेट पर भी नज़र आ रहे हैं। हर कोई तिरंगे के सम्मान में इस वक्त अपने अपने स्थान पर खड़ा है। फ्रंट रो में मौजूद चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे खास व्यक्ति हो, सेलिब्रिटी हो, आप चाहे BSF के टॉप कमांडर्स हो, हर कोई इस वक्त तिरंगे को सल्यूट कर रहा है सम्मान करते हुए। धीरे धीरे दोनों ही देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे नीचे उतारा जा रहा है और पूरे सलीके के साथ इसे फोल्ड करके अब दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो अपने पास रखेंगे और उसी के साथ समापन होगा आज की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का। सूर्यास्त से पहले दोनों देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उन्हें नीचे उतारा जाता है और अगले दिन फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है। आपको मैं बता दूं कि आज के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सुबह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के दौरान भारत के जो जवान हैं उन्होंने अपने जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं जो गेट के उस पार खड़े होते हैं, उन्हें मिठाई भी खिलाई है। मिठाई खिलाने का एक औपचारिक सिलसिला है जो स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर दोनों ओर से निभाया जाता है। और देखिए ये वो पल है जो इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को ख़त्म करने का मार्क है। एक तरह से आप देख सकते हैं दोनों देशों के ध्वज एक साथ धीरे धीरे नीचे आएंगे और नीचे लाते ही दोनों देशों के सैनिक उन्हें अपने हाथों में ले लेंगे, विधिवत तरीके से उन्हें फोल्ड किया जाएगा और अगले दिन की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी तक अपनी कस्टडी में बाइज्जत सुरक्षित रखा जाएगा।